अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? क्या खैरियत से हैं? मैं इस वक्त जिस मकाम पे मौजूद हूँ, ये वो मकाम है जहाँ पे गज़वा खंदक हुई थी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है मस्जिदों का, 7 मस्जिदों के नाम से मशहूर है। तो हम आज इन मस्जिदों का दीदार करेंगे। तो सबसे पहले ये जामिया खंदक जो है, इसका हम विज़िट करते हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे पहले मस्जिदें नहीं हुआ करती थी। इन मस्जिदों को जो बनाया गया था, इनको मंसूब किया गया उन नामों से, उन सहाबा कराम के नामों से जो जंगे खंदक में जहाँ पे उनके खैमे लगाए हुए थे। तो माशाल्लाह से ये जो मस्जिद जो जामिया खंदक है, इसको मंसूब किया गया है हज़रत अबूबकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, ये देखे फनूस कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। आप एक दफा पुराने वक्तों में चले जाते हैं, क्या फील है माशाल्लाह। तो आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैंने स्लोमो में लगाया ताकि आप पढ़ सकें। तो अब हम विज़िट करेंगे, दीदार करेंगे जो जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं उनका माशाल्लाह। तो हम जो मस्जिद फतह है, हम उसका भी दीदार करेंगे जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के लिए दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने कबूल की। और जो गज़वे खंदक है, ये मुसलमानों ने इसको सक्सेस हुई थी मुसलमान को माशाल्लाह। रवायत है कि इस मस्जिद का नाम फतह इसलिए मसूम किया गया है कि खंदक की लड़ाई के दौरान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज पढ़ी थी और ये जंग मुसलमानों की फतह पर ख़त्म हुई। तो माशाल्लाह आप दीदार करें जी सलमान अल फारसी मस्जिद। ये देखिए छोटी छोटी खूबसूरत सी मस्जिदें हैं और यहाँ पे खेमे लगाए गए। एक दफ़ा देखिए याद जो है ताज़ा हो जाती है। इससे आगे ये हम आगे हैं जी उमर बिन खताब मस्जिद, और ये भी बंद है। जो जहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं लोग, वो दो छोटियाँ और एक जो जामा मस्जिद आपने पहले देखी है। और ये माशाल्लाह ये दीदार करें जी अली बिन अबू तालिब मस्जिद। और उसके साथ ये जी हम आ गए हैं फातिमा अल सहरा मस्जिद। तो इस तरह आपने आज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत जो हैं वो की हैं। तो आज का व्लॉग जो है इसको हम ख़त्म करेंगे, अब अंधेरा हो चुका है। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। तो इजाज़त चाहता हूँ मेरी तरफ़ से सबको, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।